लोकेंद्र कालवी इस वक्त क्या कह रहे हैं आपको ये भी सुनवाते हैं। राजस्थान की एक परंपरा है जिसको कहते हैं मनुहार, उनके मनुहार की सब सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए, आपसे सामाजिक भाईचारा बनाए रखिए, पिक्चरें आती हैं जाती हैं, जब इससे किसी को आपत्ति आप क्यों लगाते हैं? एक भी सिनेमा हॉल ने नहीं लगाई, हम इस परंपरा के भी हैं, इस परंपरा के भी है। दूसरा जो आपका पक्ष है, कृपया इस बात पे न्याय जो आया है न्यायालय का, उस फैसले पे हम लोग स्पष्ट हो। न्यायालय का फैसला कहीं फिल्म के गुण दोष पे नहीं आया है, अभी गुणात्मक विश्लेषण न्यायालय में फिल्म का हुआ नहीं है, उसके लिए अब एडमिट हुई है। हो सकता है 25 को आपको देखने को ना मिले, मैं माफी चाहूंगा अगर कोई है, उसके गुण दोष का आकलन भी होना चाहिए। अभी सिर्फ कानून व्यवस्था के आधार पे हुआ है कि साहब अगर किसी से भी पूछा जाएगा कि साहब कानून तोड़ना सही है, कौन कहेगा? राष्ट्राध्यक्ष मुख्यमंत्री राजस्थान में आपने जोड़ा, हमने मनुहार किया, हम तो आप ही में मनुहार करते को आए हैं साहब। क्यों नहीं हटेगा करते जी, आप शांतिपूर्ण हटे हम कर रहे हैं सर। आप तो कह रहे हैं भैया थिएटर नहीं, आप ये देखिए, ये जो भी कुछ कहने वाले हैं वो सारी की सारी करनी सेना पर, मैंने तो अभी अभी हवा में उड़ा ही रहा था ना, 10 करोड़ रुपए देंगे, 10,000 रुपए तो नहीं दिए आज तक, सिर काट लाएंगे, बंसाली तो वहाँ आएगा नहीं, वो वहाँ मुंबई जाएंगे नहीं। अच्छा पद्माव का ऑब्जेक्शन है वो सीम से ही आपको सिर्फ आपत्ति है जो सीम उसमें क्रिएट कर रहा है। अब हमें बहुतों से आपत्ति है, अगर कपिल कुमार जी के नजरिए से आप देखें, कपिल कुमार के नजरिए से अगर आप देखें जिसको फिल्म दिखाई थी और जो कल नाटक रचा गया है, कल जो जो नाटक रचा है प्री स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म फॉर श्री राजपूत करनी सेना, एंड दैट इज ऑल्सो मिसगाइडेड ग्रीवेंसेस, मतलब उसने शब्द पहली लाइन में जो लिखा है ताकि हम मना कर दें यार मिसगाइडेड ग्रीवेंसेस भाग यहां से, पर हम फिल्म देखना चाह रहे हैं अगर वो दिखाना चाह रहा है तो, प्री स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। सर एक छोटा सा सवाल और, इसका लीगल पार्ट भी ले लीजिए। फिल्म के बारे में प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से आप मिले, फिल्म एग्जीबिटर एसोसिएशन है जी, वो सारी फिल्में लेती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती जी 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 जी, आपकी बातचीत हुई देखिए हो रही है, और ये बिल्कुल बहुत सही बात बिंदु उठाया है आपने, गुजरात फिल्म एग्जीबिट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन बैंड द फिल्म, सिनेमा हॉल ओनर्स एसोसिएशन बैंड द फिल्म, दैट इज ऑल्सो इन राजस्थान, दैट इज ऑल्सो इन पंजाब, एंड इवन दैट थिंग इज ऑल्सो देयर इन तमिलनाडु। आप वहां कह सकते हैं अरे वहां कहां दबकाने चले गए, ये हम नहीं है, वहां के मुख्यमंत्री भी कल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब राज्य सरकार तमिलनाडु और कर्नाटक की भी जा रही है कि ये जो आपने बैन पर बैन किया है उस पर रिवोक किया जाए, तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकारों की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जहां यूपी सरकार को लेकर एक बार सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, योगी जी से आप मिले, आपने अपनी बात कही जी, योगी जी ने क्या कहा, फिल्म दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? नहीं, योगी जी तो सुप्रीम कोर्ट के अब साथ में अबाइड है, तो फिर आपकी मांग नहीं मानी? नहीं, हमारी मांग ही नहीं थी ये, हम कोई इसमें सरकार से कोई इजाजत लेने थोड़ी गए थे कि साहब आप है जो इस फिल्म को बंद कर दो, कि बंद करने का अधिकार नहीं है उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में वो जरूर इस बारे में या तो रिवीजन में जा सकते हैं या कानून व्यवस्था के तहत सेंसर बोर्ड से कह सकते हैं कि भाई आपने जो सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो आर्टिकल 5D के तहत विड्रो करो। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रतीश, एक तरफ योगी जी से मुलाकात भी की है, ये भी कह रहे हैं कि वो हमारी मांगों को लेकर आखिरी फैसला करेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें तो कहीं से भी तेवर नरम नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुलाकात ये प्रस्तावित थी और मुलाकात होने के बाद तमाम कई बार ये पूछा गया कि क्या आश्वासन आखिरकार आपको यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से मिला है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर ये फैसला छोड़ दिया गया है कि उन्हें क्या आगे करना है, लेकिन जो कल लोकेंद्र सिंह कालवी है करणी सेना के प्रमुख, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने, और इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बैन की बात नहीं करने गए थे वो, लेकिन रिवीजन की बात जरूर करने गए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने किया है। सरकार से ये अपेक्षा वो रख रहे हैं लोकेंद्र सिंह कालवी कि सरकार इस पर एक बार कोर्ट में, जो मामला पहुंच चुका है कोर्ट में मामला है, उस पर रिवीजन की बात जरूर सोचे, लेकिन बैन की बात वो जान रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको मानने के लिए बाध्य है शायद इसीलिए, लेकिन तेवर जो आप कह रहे हैं तेवर बिल्कुल भी
कम नहीं दिख रहे हैं और शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो विरोध का झंडा उन्होंने बुलंद कर रखा है पद्मावत के विरोध, वो जारी रहेगा और विरोध चलता रहेगा और आगे आने वाले दिनों में विरोध और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। जी, योगी आदित्यनाथ ने इस मीटिंग में इनसे क्या बात की है, क्या कोई इनको आश्वासन दिया है, ऐसी कोई जानकारी मिली है? देखिए, लगातार हमने इनसे पूछा कि आश्वासन आपको मुख्यमंत्री की तरफ से क्या मिला, या किसी तरीके के आश्वासन की बात पर इन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि लोकेंद्र सिंह कालवी ने केवल इतना कहा इस सवाल के जवाब पे कि मुख्यमंत्री के ऊपर अब ये छोड़ दिया गया है, मुख्यमंत्री को इनकी अपनी बातों से अवगत जरूर कराया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन्हें किसी तरीके का कोई आश्वासन दिया हो तो इस मीटिंग का लब्बो लुआब निकला क्या रतीश, मतलब कि सरकार की अब भूमिका होगी क्या? अपनी बात को रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये पहुंचे थे। मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, कुछ समय बाद ही इस बारे में पता चल पाएगा कि मुख्यमंत्री आखिरकार इस बात में क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन एक बात जरूर लोकेंद्र सिंह कालवी ने कही कि जब भी पद्मावत को लेकर विरोध शुरू हुआ था, विवाद शुरू हुआ था, तो सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ही इस बात को कहा। बहुत बहुत शुक्रिया रतीश तमाम जानकारी के लिए।